साहब, बीबी और गुलाम। वर्षों पहले ये फिल्म आई थी। इसमें तो सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन इसका एक गाना काफी हिट रहा था। उसके बोल थे, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। यह गाना इसलिए याद आ गया कि कुछ ऐसा ही माहौल बिहार की पॉलिटिक्स का हो गया है। आज किसी को खुशी में नींद नहीं आएगी तो किसी का गम में रत जगा होगा। कहे तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बेल पर यहां सियासी बवाल मचा हुआ है। तभी तो तेजस्वी यादव की सिंगापुर में रहने वाली बहन रोहिणी आचार्य ने कई ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं। इसी में एक ट्वीट है, आज नींद ना आएगी सुशील मोदी को, जेल भेजने का सपना देख रहा था जो तेजस्वी को। दरअसल पिछले कई दिनों से आरजेडी में गजब की धुकधुकी बनी हुई थी। ये धुकधुकी तेजस्वी यादव को लेकर थी। आखिर उनका क्या होगा, वे जेल जाएंगे या जमानत बरकरार रहेगी? आपको याद होगा बिहार में नई सरकार बनने के बाद जांच एजेंसियों की गतिविधियां भी बढ़ गई थी। जिस दिन महागठबंधन सरकार को बहुमत सिद्ध करना था उसी दिन सीबीआई और ईडी की आधा दर्जन से अधिक आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर जमकर छापेमारी हुई थी। ये 24 अगस्त की तारीख थी और 25 अगस्त को तेजस्वी यादव का गुस्सा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा था, क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी ही रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी क्या? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 अगस्त को क्या कुछ कहा था, सबसे पहले तो आप वो सुन लीजिए। क्या सीबीआई वालों के मां बेटे नहीं है, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, आप संवैधानिक संस्था के जो काम जो दायित्व मिला है उसको निभाइए ईमानदारी से। और आप बताइए, आप तब से अब तक हम लोगों ने पूरे परिवार ने ना कॉपरेट किया है, सभी जांच एजेंसियों के हर न्यायालय के आदेश को ना माना है, कहीं कुछ गलत किया है हम लोगों ने? लेकिन हम ही लोगों पे एफआईआर कितना, ढाई दशक से तो हम छापे देख रहे। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई, सब सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए। हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती है। कहा जाता है कि इसी बयान को आधार बनाकर सीबीआई आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट गई थी। उसने राव जेवेन्यू कोर्ट में अपील दायर कर कहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, वे आईआरसीटीसी केस की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका असर जांच पर भी पड़ सकता है, ऐसे में उनकी जमानत रद्द की जाए। इसकी पहली सुनवाई 28 सितंबर को हुई। उस दिन कहा गया कि तेजस्वी यादव 18 अक्टूबर को खुद कोर्ट में मौजूद रहे। इसके बाद से ही महागठबंधन खेमे में धुकधुकी बढ़ गई। खासकर आरजेडी नेताओं की नींद उड़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि क्या तेजस्वी को सीबीआई के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ेगी, सीबीआई आखिर क्यों अचानक एक्शन में आ गई, जबकि वे तो इस तरह के सियासी बयान पहले भी देते रहे हैं, ऐसे में क्या उनकी परेशानी बढ़ने वाली है? कोर्ट से तेजस्वी को राहत मिल पाएगी या तेजस्वी की जमानत रद्द होगी? क्या उन्हें जेल जाना होगा? ऐसे ही सवाल बिहार के सियासी गलियारे में आ जा रहे थे। इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ ही लॉ एक्सपर्ट्स का मंथन भी चल रहा था, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने जिस तरह तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार रखी, इससे आरजेडी नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है और अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बयानबाजी की जंग फिर से तेज हो गई है। सबसे पहले मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान की कृपा है, वे सबकी रक्षा करते हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, सीबीआई ने बेल कैंसिल की जो पिटीशन दी थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यह बेहद खुशी का पल है। कोर्ट ने तेजस्वी से कहा है कि आप अपने बयानों पर ध्यान दें, आप डिप्टी सीएम के पोस्ट पर हैं, आपके कहे शब्दों को कोई भी गलत मायने लगाकर परोस सकता है, अपने दिए गए बयानों पर गौर करें, इस तरह के बयान न दोहराएं। इसके पहले तेजस्वी के वकील ने कहा कि अगर सीबीआई को लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों को धमकी दी है तो वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? वकील ने यह भी पूछा कि आप हमें बताइए, हमने जमानत की किस शर्त का उल्लंघन किया है? यह तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई उसका केस से कोई लेना देना नहीं है।
कोर्ट में तेजस्वी की ओर से यह भी कहा गया कि गुड़गांव मॉल जैसे मुद्दों पर सीबीआई ने नैरेटिव बनाने और छवि खराब करने की कोशिश की है। वो ईजी टारगेट पर हैं क्योंकि वो मौजूदा सरकार के साथ नहीं है। सवाल पूछने के उनके अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। बता दें कि सुशील मोदी इस IRCTC मामले को शुरू से ही उठाते रहे हैं और जब बिहार में एनडीए सरकार गिर गई तो वे एक बार फिर इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे थे और जब तेजस्वी की जमानत रद्द नहीं हुई तो सुशील मोदी ने एक बार फिर से अपने बयान से उन्हें टारगेट किया है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, तेजस्वी यादव बैकफुट पर, सीबीआई कोर्ट की कड़ी फटकार, हिम्मत है तो अड़े रहते सीबीआई को धमकी देने वाले बयान पर माफी मांगनी पड़ी। घोटाले से जुड़े मामले में चार्जशीटेड और बेल वाले आदमी को नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम बना रखा है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी अपने बयान में कहा है, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन सवाल उन पर उठता है जो न्यायालय के फैसले पर उंगली उठाते रहते हैं। जब फैसला उनके मुताबिक आता है तो वो न्यायालय के पक्ष में बयान देते हैं लेकिन जब फैसला उनके विरोध में जाता है तब वो न्यायालय के खिलाफ बयान देने का काम करते हैं। वहीं कोर्ट की ओर से तेजस्वी को नसीहत दिए जाने को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपनी जुबान पर किस तरह लगाम लगाना चाहिए ये सोचने की जरूरत है। ये कोर्ट के आदेश से एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है। किसी जांच एजेंसी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए यही बात आज कोर्ट ने कही है। इसी तरह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा कि तेजस्वी को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन इस पर सबसे रोचक कमेंट तेजस्वी की बहन रोहिणी ने की है। उन्होंने एक के बाद एक चार ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, जनता जनार्दन की दुआओं में ऐसी शक्ति है, बीजेपी के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जीत हमारी होती है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, इतिहास गवाह है जिसने लोगों के दिलों पर हुकूमत किया है, दलालों और गद्दारों की टोली ने उसी के दामन में दाग लगाने का षड्यंत्र किया है। तीसरे ट्वीट में कहा कि आज नींद ना आएगी सुशील मोदी को, जेल भेजने का सपना देख रहा था जो तेजस्वी को। और रोहिणी ने चौथे ट्वीट में लिखा, देश के गद्दारों को दुख है इस बात की, लालू जी की लोकप्रियता और तेजस्वी के कीर्तिमान की। पहले ये बता दें कि ये IRCTC मामला क्या है। दरअसल IRCTC मामले में इन दिनों लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ ही तेजस्वी यादव भी जमानत पर हैं और इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर रखी है। IRCTC टेंडर घोटाले में लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दे दिया। इसके बदले उन्हें पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस मामले में उन्हें 2 साल पहले जमानत मिली थी। कोर्ट की ओर से जब तेजस्वी को नोटिस आया तो लॉ एक्सपर्ट भी मंथन करने में जुट गए थे। तब कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस मामले में तेजस्वी यादव को माफी भी मांगनी पड़ सकती है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल बयान है। ऐसे में यदि कोर्ट को लगेगा कि माफी मांगनी चाहिए तो फिर तेजस्वी को माफी मांगनी पड़ सकती है और ऐसा हुआ भी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें नसीहत दी कि वे इस तरह के बयान से बचें। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इन दिनों जिस तरह बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियों की रेड पड़ रही है और ये रेड लगातार विपक्ष नेताओं के ही ठिकानों पर पड़ रही है, इससे साफ संकेत मिल रहा है कि केंद्र के निशाने पर विपक्ष के नेता हैं। और ऐसे माहौल में तेजस्वी यादव को भी फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने की जरूरत है वरना लेने के देने पड़ सकते हैं और हर बार कोर्ट भी मेहरबान नहीं होगा। बहरहाल तेजस्वी की जमानत बरकरार रहने से पटना में RJD नेता लड्डू बांटने में जुट गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि तेजस्वी की जमानत बरकरार रहने से जहां RJD नेताओं को खुशी में नींद नहीं आएगी तो विरोधी गम में रतजगा करेंगे और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।